Johar and hello everyone and welcome or welcome back to my channel and in another video. तो यार ठंड खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अब लगता है कि अब ठंड खत्म होगी लेकिन अब देखो फिर बारिश हो रही है। खैर ये तो प्रकृति है, बारिश तो होगी ही, वी कॉन्ट डू एनी थिंग अबाउट इट, बट लेट्स एन्जॉय दिस डे एंड स्टार्ट दिस वीडियो, सो लेट्स गो। ऐसे मौसम में पूड़ी खाने का मज़ा कुछ और ही है और पूड़ी के साथ हम खा रहे हैं आलू भुंजिया। ये दो कॉम्बिनेशन बहुत ही तगड़ा जाता है। तो ये रही हमारी गरम गरम पूड़ियाँ जो मैंने लास्ट में आकर हेल्प करी मम्मी को बेलने में। मैं आपको एक हैक बता देती हूँ, अगर आपको पूड़ी अपनी ऑयली और ग्रीसी नहीं चाहिए तो जब आप तेल गरम करते हो पूड़ी तलने के लिए उसमें आप अ पिंच ऑफ सॉल्ट डाल दो और उसके बाद आपकी पूड़ियाँ ऑयली नहीं लगेंगी। तो ये है हमारी लास्ट पूड़ी और फिर हम खाएंगे गरम गरम पूड़ियाँ आलू भुजिए के साथ। तो मुझे मालूम नहीं कि आप लोग भुजिए में लहसुन डालते हो या नहीं, पर मम्मी ने आज लहसुन और लहसुन से झोंक लगाई है तो आज ये बहुत ही अलग टेस्ट नहीं करे, यूजुअली हम ऐसे ही खाते हैं। सो या लेट्स गो एंड हैव आवर ब्रेकफास्ट। इलेवन थर्टी राइट नाउ एंड दिस इज हाउ द वेदर लुक्स लाइक। काफ़ी टाइम से हमें वेडिंग करनी थी और ये बेस्ट टाइम था करने का क्योंकि धूप में तो करने से हम रहे और हिम्मत भी नहीं होती धूप में ये काम करने की। बारिश होने के बाद मिट्टी गीली हो गई थी और ये इजीली बाहर निकल आ रहे थे, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है कि रूट्स के साथ हम इसे बाहर निकालें ताकि ये वापस से इसकी ग्रोथ ना हो जाए। हमें मानसून से पहले ये सारे काम कर लेने हैं सो दैट इट डजंट गेट स्लिपरी और इवन हो जाए लैंड हमारा। सो हमने मिलकर तकरीबन दो टब हमने इकट्ठा किया ये घास और हमने सामने के जितने भी एरिया थे हमारे हमने वहाँ सब क्लीन कर लिए एंड दिस प्रोसेस टुक अस अबाउट टू एंड हाफ आवर्स। थैंकफुली उस दिन मेरे पास ज़्यादा कुछ काम था नहीं करने को तो हमने सबसे पहले डिसाइड किया कि कौन किस साइड की सफाई करेगा क्योंकि अकेले की बस की बात नहीं थी इतने बड़े एरिया की वीडिंग करना एंड हमने जल्दी जल्दी मिलकर सफाई कर ली एंड लेटर It started drizzling, so we had to stop. So for lunch, I'm having gobhi. So for lunch, I'm having gobhi matar ki khichdi with tomato chutney. और साथ में ये मसाला पापड़ जो है from RCM and this is our favorite मसाला पापड़। इसमें बहुत सारी red chilies हैं और जीरा है। तो अगर आपको RCM के store में ये पापड़ नज़र आता है तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। और हम यूजुअली फ्राई नहीं करते पापड़, हम माइक्रोवेव करते हैं फॉर अबाउट 1.5 मिनट्स। तो बेक पापड़ अच्छा लगता है एंड या द कॉम्बिनेशन इज़ रियली अमेजिंग। अगर आप खिचड़ी के साथ में पापड़ खाना चाहो तो खा सकते हो। And for dinner, I made kadahi mushroom for the very first time and it turned out pretty good. The next day. तो हम गए थे अपने नेबर के यहाँ और जैसे ही मैंने एंटर किया मुझे दिखा ये ब्यूटिफुल ट्री विच इज़ अ पीच ट्री और ये है पीच ब्लॉसम। मेरा तो मन करा था कि मैं बस खड़े होकर इसे देखते रहूँ, है ना खूबसूरत, आई नो। Several days later. और हर साल की तरह इस बार भी हम अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं पिकनिक और हमारे दो फ्रेंड्स हमें ज्वाइन नहीं कर पाए क्योंकि दे आर आउट ऑफ स्टेट। और बड़ा मज़ा आता है जब हम सब साथ होते हैं और कहीं ट्रैवल करते हैं, लेकिन वी मिस्ड बोथ ऑफ देम। और ये रहे निशा और डेविस जो हमेशा आपको लड़ते हुए नज़र आएंगे, लड़ाई के बिना इनकी तो बात ही नहीं बनती।
हेलो मिस्टर बोला गाइस देख रहे हो गाइस कितनी अश्लील बातें कर रहा है यहां तक सामान उतारते हुए हम पहुंच चुके हैं. ये है सात धारा उर्फ ऑल्सो नोन एज सेवन स्ट्रीम्स. पर धारा कहाँ से निकल रही है पर पता समझ नहीं आ रहा. हम जलवा दिखाएंगे अपना. ये ऑलरेडी हमारे पास है तो हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है. तो हम फाइनली पहुंच गए हैं और ये प्लेस है सात धारा. तो हम दूसरी रूट से आए हैं. मेन रूट से अगर आते तो हमें एंट्रेंस एंट्री गेट मिलती जो हमें मिली नहीं क्योंकि हम दूसरे रूट से आए हैं. और क्योंकि आज ट्यूसडे है तो ज़्यादा भीड़ है नहीं यहाँ पे. कुछ स्कूल की बच्चियाँ हैं वो रही और खाली ही है प्लेस तो अच्छा लग रहा है. वो रहे हमारे दोस्त सेटअप करते हुए. आज मौसम अच्छा है सुहाना है. ज़्यादा धूप नहीं है कड़ी धूप नहीं है. बट इट वॉज सपोज टू रेन टूडे. आज का मौसम कुछ ज़्यादा ही अच्छा है. उम्मीद करते हैं पानी ना आए. अगर बारिश हो जाएगी तो फिर हमें भागने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन बचेगा नहीं. सो या आज बहुत ही सिंपल मेन्यू है हमारा. तो चलिए चलते हैं एंड लेट्स प्रिपेयर आवर लंच. लेट्स गो. ये रही हमारी कुछ सब्जियां जिसे हम चॉप चॉप करेंगे. एक अच्छा काम हमने किया गया. हमने कल प्याज छील लिया तो हमें बस अभी चॉप करना है. और चॉप करने के लिए ये दो प्लस हम दो वॉशर. प्याज काट चुके हैं. प्याज पकने के लिए भी चले गए. चना खा रहे हैं. नॉर्मल सॉल्ट नहीं है. टाइम पास आर टाइम पास गाइस. बाय बाय बॉइल्ड पोटैटो अनियन पिंच ऑफ ब्लैक सॉल्ट और नींबू. तो अभी हमने खाया है वाई वाई भुंजा. और अमन अमन यहाँ अपने स्किल्स दिखाते हुए. यस ओ चलो. और फिलहाल अभी बज रहे हैं वन. अभी जल्दी जल्दी हम खाना बनाकर जाएंगे पानी में खेलने. अपना सही काम कर रहा है ये लड़का. बहुत ही सही जॉब मिला डेविस को जैसा कि आप देख सकते हैं. लड़का बर्तन धोते हुए काम काजी लड़का है गाइस. डीएम फॉर रिश्ते. डीएम फॉर रिश्ते गाइस. खाना बनाने के बाद पानी में थोड़ी देर खेलने के बाद वी डिसाइडेड कि हम वॉलीबॉल खेलेंगे. मेरे लिए तो इट वॉज़ अ न्यू गेम. बाकियों के लिए तो नहीं था. बट आई ट्राइड माई बेस्ट. मेरे हाथ लाल हो चुके थे. स्वेलिंग हो चुकी थी लेकिन फिर भी मैंने डिसाइड किया कि खेल कर तो मैं जाऊंगी. एंड आफ्टर दैट वी हैड अ लॉट ऑफ फन. हमें पता ही नहीं चला कि हम कब 2 घंटे हमने ये गेम खेली है.
और उसके बाद हमें लग गई भूख, तो फिर हम चले गए खाना खाने। चाय के बिना हम अपना डे एंड कैसे कर सकते हैं, तो पहले बन रही है मेरे लिए लाल चाय क्योंकि मैं दूध चाय नहीं पीती, और बाकियों के लिए फिर मिल्क ऐड हो जाएगा। सो टैग टी लवर्स इन द कमेंट्स। और दूसरा पोज़।